अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सारे मोहतरम, आपको बड़ी ट्राई की पिछले काफी दिनों से। कितने दिन से ट्राई कर रहे हैं आप? दादी पिछले 4-5 दिन से। कितनी दफा कॉल किया? काफी दफा किया, बिजी जा रहा था, कभी मिलता ही नहीं था, कभी रिंगिंग होती थी, उठाता नहीं था सर। अच्छा यार, असल में ये बात है कि या तो आपका आउट टाइम होगा, जी रिंगिंग हुई तो उठाया नहीं, ठीक। वैसे तो तकरीबन डेली की कोई ना 200 कॉल के करीब करीब मैं सुनता हूँ। हाँ, उसके दरमियान कॉल सुनते, अगर कोई कॉल मिस हो जाए, अभी आपकी कॉल आ रही है तो इसके दरमियान भी कोई कॉल चल रही है, तो फिर वो मिस हो जाती। हाँ, वो मिस हो जाती है। तो कोशिश किया करें आप, बार बार ट्राई करते रहे, इंशाल्लाह हो ही जाएगी। कई बच्चे ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनकी 1.5 महीने के बाद एक दफा बात हो रही है। जी अब बताए अपना प्रॉब्लम। जी बच्चे हैं 2.5 माह के। जी जी, उनकी डॉर्मिंग नहीं की, डॉर्मिंग कर सकता हूँ? हाँ आप डॉर्मिंग कर दें। कोशिश किया करें कि 20 से 25 दिन के दरमियान ना बच्चे बच्चे की डॉर्मिंग कर दिया करें। एल्वाजोल डॉर्मिंग ले लें, उसके साथ करें। मेरे पास ऑक्साफेक्स पड़ी हुई है, वो भी ठीक है, उससे कर दे। कितनी सीसी करो सर जी? वो ऊपर रिकमेंड डोज लिखी होगी मेरे ख्याल। एक बकरी मैंने क्रॉस कराई है जी, 1 नवंबर को जी। और सारी 25 दिन बाद ना पीछे से गन फेंक रही थी। 25 दिन बाद? अच्छा हाँ, 25 दिन बाद, यानी कि क्रॉस कराने के 25 दिन बाद जी। तो बकरी क्रॉस नहीं हुई, बकरी बकरों के साथ शरारतें कर रही थी जी जी, लेकिन क्रॉस नहीं। उसके बाद अब तकरीबन 1.5 माह हो गया, अभी तक उसने ना गन फेंका ना हिट कराई है। ठीक हो गया। पता क्या चीज है, पहले क्रॉस हुई है कि नहीं? वो पहले उसने बच्चे दिए हुए, मैंने इसी तरह खरीदी थी। अच्छा, फिर दोबारा आपने क्रॉस कराई, क्रॉस कराने के 20-25 दिन बाद उसने गंद फेंका, यही कह रहे? हाँ, बात बात ना, कोई हीट सर्कल थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो जानवर ऐसी मिस्टेक करता है, लेकिन उसमें ना 80% जानवर जो है ना वो कंसीव हो जाते हैं जी। तो ये मैंने पहली दफा रखी है बकरियां। ये आप बेफिक्र हो जाए, आपको तकरीबन 1 माह के बाद उसका पता चल जाएगा, वो कंसीव हो गया होगा, इसलिए उसने दोबारा कुछ नहीं हरकत की। मेरी काफी देर पहले आपसे बात हुई थी, आपके पीर भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं अल्लामा मीर अकबर साहब, माशाल्लाह जी। तो उनके रेफरेंस से आपसे बात हुई थी। मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन था जी जी। आप आपने मुझे बताया था कि मैंने ना वर्ल्ड कप खेला हुआ है जी, अंडर 19 का, 2006 का। 2006 का। आपने अपना नाम दोबारा बताएं मुझे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान मलिक है। मोहम्मद उस्मान मलिक, सन 2006 का आपने वर्ल्ड कप खेला हुआ है जी, सरताज कप्तान था और हम इंडिया से फाइनल जीते थे। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह, वेरी गुड। सेमीफाइनल में मैंने 3 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में आपने 3 आउट किए थे जी। अच्छा, अब आपने दुनियादारी मुकम्मल छोड़ दी है ना? ये तो जी जी, दुनियावी तरह है जी जी। मैंने सिर्फ इस नियत से रखी है कि मेरे थोड़े नबी पास गसल में रखी सुन्नत है जी जी, नबी पैगंबरों की जी, इसलिए अब मेरा और कोई काम नहीं है सिवाय इनकी सेवा करने के। माशाल्लाह, और कोई काम नहीं, नमाज पढ़ ली, बकरियां रख ली और इनकी खिदमत कर ली बस जी। और ये बीमार हो जाए तो मैं खाना छोड़ देता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह आप नहीं बीमार होंगी। अब मैं ना आपका नंबर सेव कर लेता हूँ आपके नाम से जी, तो जब भी आपको जरूरत पड़ी ना तो इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। आप एक छोटा सा मशवरा चाहिए था, मैंने अगर 3 बकरियाँ लेनी हो और 1 बकरा ब्रीडर जी जी, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? बकरियाँ लेनी है कि बच्चे लेने हैं, छोटे पट्ठे लेनी है? नहीं, मैं इस तरह चाहता हूँ कि अगर मैं बकरी लूँ ना तो वो या तैयार शुदा हो जी, या उसके साथ बच्चा हो जी जी, तो उसमें फिर मुझे आसानी होगी। इसमें ना 2 तरीकेकार हैं। एक जानवर आपको ना बच्चे के साथ या बच्चे पैदा करने वाला जी जी, वो मिलेगा 1.5 से 2 लाख का जी जी। एक जानवर आपको 4 से 5 लाख का मिलेगा जी। ठीक हो गया, ये 2 तरीके हैं जानवर में। वैसे अगर आप सी ग्रेड में चले जाएं
तो उसमें तकरीबन 60,000 से लेकर 90,000 तक भी आपको जानवर मिल सकता है। अभी तो मैं सी ग्रेड से गुजारा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी इतनी इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, जब मैं एक साल इनमें मार खा लूंगा फिर इंशाल्लाह ताला इसको मजीद बढ़ा लूंगा। बिल्कुल बेहतरीन हो गया, क्योंकि मैंने इन फ्यूचर सारी जिंदगी यही काम करना है। मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आप बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये हमारी भी ड्यूटी, ये हमारी भी ड्यूटी उधर से लगी हुई है, बस जिस दिन की ड्यूटी उनकी संभाली है ना, अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी बरकतें डाली हैं, पता नहीं चला कभी मेरे पास, मैंने सोचा था ऐसा इल्म होगा। अब जिस चीज़ की सुबह ज़रूरत होती है ना, तो वो शाम को मेरे पास होता है। वो ना एक पंजाबी की कहावत है, माच अपने किले से पुरकती है। जी आपका माशाल्लाह किला बहुत तगड़ा है। तो बाबा जी की क्या बात है जी, जी। बात? ये बात आपकी सच्ची है। अक्सर मैं ना कई दफा ऐसे दावे करता हूँ जो आम मेडिकल लिहाज से भी ना हैरत अंगेज होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने कोई ना कोई उसमें मेरी मदद कर देता है, और मेरे दावे करने से 10% बेहतर हो जाता है। उन्होंने फकीरी में भी बादशाही की है जी, क्या बात है उनकी। ऐसे ही है जी, कोई जेब नहीं, कोई कुछ नहीं, और इतना बड़ा अल्लाह, ये अल्लाह ताला की तौफीक है जी, अल्लाह ताला जिसे चाहे जो चाहे करवा दे। माशाल्लाह जी, मुझे तकरीबन ना 3 रातें ना मुसलसल ख्वाब में आते रहे सरकार। सुभान अल्लाह। ठीक हो गया, तो मैं ना मैं बड़ा परेशान कि यार ये बुजुर्ग मैंने आज तक जिंदगी में देखा भी नहीं है, तो ये कैसे। मेरे ना उधर मामू जी का घर था साथ में ना, तकरीबन कोई 6 किलोमीटर फासले के पर, तो मैंने अपनी ना नानी से बात की कि ये मामला 3 दिन से एक बुजुर्ग आते हैं, वो मुझे बुला के जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, मैं दरवाजा बंद करते हैं, वो दरवाजा खोल के जाते हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई कि देखो ये बुजुर्ग तो नहीं जैसा आप हुलिया बता रहे। मैं कहा वाकई यही बुजुर्ग है। बस फिर 1 साल में लगातार दरबार के ऊपर गया, अगले साल में उनका बैत हो गया। ये हमारे समुद्री से ना तकरीबन बनता है 25 किलोमीटर के फासले पर ना, 25 से 30 किलोमीटर है दालोवाल। हमारे फार्म से मेरा ख्याल है कि 25 किलोमीटर से भी शायद कम होगा। हाँ इंशाल्लाह, आप बेफिक्र होके आए, इधर मैं समुद्री होता हूँ, जब चाहे आपके लिए। तकरीबन 58 बकरे सेल किए थे इधर से शाहपुर से इलाका था जी जी, और 3-4 हजार बेचता था बकरा। कैसे? तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है मेरे, मैंने अभी बैंक की नौकरी छोड़ी, वापदा की नौकरी छोड़ी, रेलवे, मैं दुबई जॉब छोड़ के आया क्रिकेट पे जी जी, मेरे अल्लाह ताला को मंजूरी आई था माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी से इतना खुश हो क्या बताऊं जी जी। अल्लाह पाक आपको माशाल्लाह, अल्लाह पाक मजीद आपके ऊपर अपनी रहमतें फरमाए। जब भी आपको जरूरत हो इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ, तो दरबार पे जब भी चक्कर लगा ना तो जरूर आना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद इंशाल्लाह। अपना नाम एक दफा दोबारा बताना। मोहम्मद उस्मान मलिक। मोहम्मद उस्मान मलिक, मैंने आपकी ये कॉल अपनी वीडियो पे लगानी है, लगा सकता हूँ? जैसे आपका दिल करे। ओके अल्लाह हाफिज़।